भारत आज एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की एक मुखर आवाज है। आज बायोडायवर्सिटी हो या लैंड न्यूट्रलिटी, क्लाइमेट चेंज हो या वेस्ट रिसाइकलिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो या वेस्ट रिसाइकलिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो या गोवर्धन से बायोगैस हो, और एनर्जी कंजर्वेशन हो या क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, पर्यावरण की दिशा में भारत के प्रयास आज परिणाम दे रहे हैं। भारत ने वन क्षेत्र को या फिर नए नेशनल पार्क की संख्या, बाघों की संख्या और एशियाटिक लायन सभी में वृद्धि हर देशवासी के लिए खुशी की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की इन सफलताओं के बीच एक और सच को भी हमें समझना होगा। भारत आज एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है। भारत आज एनर्जी इंपोर्ट के लिए सालाना 12 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च करता है। भारत की प्रगति के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत का एनर्जी इंडिपेंडेंट होना समय की मांग है, अनिवार्य है। इसलिए आज भारत को यह संकल्प लेना होगा कि हम आजादी के 100 साल होने से पहले भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाएंगे। और इसके लिए हमारा रोड मैप बहुत स्पष्ट है। गैस बेस्ड इकोनॉमी है, देशभर में सीएनजी पीएनजी का नेटवर्क हो, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हो, भारत एक तय लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ भी कदम बढ़ाया है और रेलवे के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पर भी काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का लक्ष्य रखा है।